everyone. So in the last class we had seen that electric field एक conducting non-conducting hollow sphere के लिए या फिर एक conducting solid sphere के लिए कैसे behave करती है, उसको हमने Gauss's law की help से find out कर लिया। तो आज हमारे पास में जो हमारा topic है वो है solid non-conducting sphere के अंदर किस तरीके से electric field हमको मिलती है और वो किस तरीके से behave करती है। तो अब हमने जो लिया है वो कैसा स्फीयर लिया है बच्चों, हमने लिया है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि स्फीयर जो है उसके अंदर सब जगह पे चार्जेस है, अब उसके सरफेस पे नहीं है चार्जेस, सरफेस पे नहीं है यानी कि उसके सारी जगह पे चार्जेस कंसंट्रेटेड हैं। तो अब किस तरीके के चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि इस पूरे स्फीयर के अंदर भी चार्जेस प्रेजेंट है। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और जो डेंसिटी आती है वो क्या आती है, रो। सो रो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, रो इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज गिवन बाय द सिंबल रो। और फॉर्मूला क्या है रो का, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम। ओके, तो जैसा हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, तो हमने तीन पॉइंट ले लिए थे, एक आउटसाइड, एक सरफेस पर और एक सरफेस के अंदर यानी स्फीयर के अंदर। तो तीनों पॉइंट वापस ले लेते हैं फटाफट से हम लोग। तो एक पॉइंट तो यहां हो जाएगा, ये पॉइंट सपोज करो ए है, एक पॉइंट आप इस पे ले लो, ये पॉइंट है बी, और एक पॉइंट आप ले लो सी, एक अंदर पॉइंट ले लो, ये हो गया पॉइंट सी। तो तीनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सिमेट्री अगेन, ये स्फीयर है तो सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। तो स्फेरिकल सिमेट्री है इसका मतलब एक स्फीयर बना दो, इस तरीके का एक स्फीयर बन जाएगा, यानी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। और कौन सी डायरेक्शन है, आउटवर्ड, क्योंकि रो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। रो लेस देन जीरो होता चार्जेस नेगेटिव होंगे, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। अभी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लेट अस से इट इज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। इसी पॉइंट पर डीएस की डायरेक्शन क्या होगी, गॉसियन सरफेस है ये, तो डीएस की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये होगी। यहां पर तो सब सेम चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और डायरेक्शन भी सेम चल रही है। तो इस ए को मैं बोल देता हूं ये है आउटसाइड पॉइंट, ये है सरफेस पे बी पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, और सी पॉइंट जो है ये है इनसाइड। ओके, ये पॉइंट सी। ओके, तो अभी मैं फास्ट फाइंड आउट कर रहा हूं पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले आप बोल दोगे लेट अस कंसीडर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये लैंग्वेज है ना, सॉलिड स्फीयर ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और रो कैसा लिया आपने, ग्रेटर देन जीरो है ना, रो ग्रेटर देन जीरो है, जिसका मतलब आउटवर्ड है। ओके, सो सिमेट्री कैसी है, इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस। ये केस कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, आउटसाइड वाला, राइट, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड विच आर आउटसाइड द स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स
इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड विच इज आउटसाइड द स्फीयर इज सेम। नंबर टू, गॉसियन सरफेस फाइंड आउट करना है। गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी? एक स्फेरिकल बनेगी। सो गॉसियन सरफेस इज अ स्फेरिकल स्फीयर, या ये बोलो डायरेक्ट इज ए स्फीयर। कैसा स्फीयर? हाइपोथेटिकल स्फीयर, हाइपोथेटिकल स्फीयर पासिंग थ्रू, कहां पर फाइंड आउट करनी है? ए पे। तो पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ओके, थर्ड पॉइंट, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पे कितना फ्लक्स है, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो इस पूरे स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है ना। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा? हमने बताया था लेट अस से फाई ई है, तो फाई ई किसके इक्वल होगा? फाई ई शुड बी इक्वल टू ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, ई सारे पॉइंट पे कांस्टेंट है, सारे पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो ई को बाहर ले लो, डीएस बचेगा। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना होता है? लेट अस से ये जो रेडियस है, जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था इट इज इक्वल टू आर, ये जो डिस्टेंस है कितनी है? आर है। तो ये कितना हो जाएगा? e into 4 pi r square। ये आ गया मेरा पहला पॉइंट। ये तो लास्ट वाला डेरिवेशन है, उसकी जैसे ही चल रहा है, कुछ चेंजेस आएंगे वो देखना। फोर्थ पॉइंट, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना है? इस पे चार्ज कितना है? ये गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? इसके अंदर जितना टोटल चार्ज है वो पूरा है, टोटल चार्ज कितना है? q। तो टोटल चार्ज कितना है इनसाइड दिस? इट इज इक्वल टू q। सो q इनसाइड बोल देता हूं मैं, इट इज इक्वल टू व्हाट? q। और q किसके इक्वल होगा? रो इनटू वॉल्यूम। सो रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम नहीं, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है, वॉल्यूम क्या होता है? 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। याद रखना बच्चों, पहले हमने एरिया लिया था, अब ले रहे हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका? इस अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, वो कितना होता है? 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये आ गया मेरे पास में सेकेंड पॉइंट। ओके, अभी क्या लगा दोगे? गॉसियस लॉ लगा दोगे। वेरी गुड यार, आप लोगों को सब समझ आ गया है। तो गॉसियस लॉ लगाओ। गॉसियस लॉ क्या कहता था? टोटल फ्लक्स शुड बी इक्वल टू द चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अंदर कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाला फ्लक्स कितना है? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught। तो electric field कितना आ जाएगा? Electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square। यहां तक भी कहानी सेम है, यानी outside वाले पे तो सेम वही आ गया जो कि हमारे लिए hollow के लिए मिल रहा था, है ना। It is acting as if the entire charges are present at the center O, when we are considering a point which is outside the solid sphere, so in that case it will behave as if a point charge is there। So ये वापस यहाँ पर ही किसके proportional आया? 1 upon r square के। That means what? That means that electric field outside is as if the entire charge is at सेंटर O। कैसे बिहेव कर रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे कि ये सारा का सारा स्फीयर नहीं है, इस पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है जिसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q के बराबर है। यहां तक कहानी सेम है, एग्जैक्टली वैसी जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था। तो ये आ गया मेरे पास में थर्ड पॉइंट, है ना। थर्ड, अब ये आ गई, ये केस क्या लिया था हमने? आउटसाइड के लिए लिया था। अब मैं पॉइंट बी की बात करता हूं। ओके, तो इसको रब करें।
इसको हम लोग रब कर देते हैं और पॉइंट बी ले लेते हैं आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ देते हैं ताकि याद रहेगा आप लोगों को। ओके, अब है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट बी कहां पर है? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस यानी क्या? आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? आर के इक्वल हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था अभी हमने फाइंड आउट किया था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, पर आर की जगह पे मैं क्या रख दूं? कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एट पॉइंट बी विच इज ऑन द सरफेस। तो हमने दो केसेस फाइंड आउट कर लिए, एक तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो आ गई हमारी E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे कितनी आई है, यहां कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पॉइंट C पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो गॉसेस लॉ यूज करूं मैं, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ से टोटल फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस सरफेस। गॉसियन सरफेस अब कहां है? ये है गॉसियन सरफेस, है ना? तो इस सरफेस पे मुझे फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर कितनी, इस पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये मुझे फाइंड आउट करनी। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बिकॉज फॉर्मूले में क्या आया था? क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू इनसाइड क्या, हमने सपोज किया कि लेट अस से ये चार्ज तो था इस कैपिटल आर के ऊपर, यानी ये जो ओरिजिनल हमारा जो सॉलिड स्फीयर था इस पे जो चार्ज था वो था कैपिटल स्मॉल क्यू। अब स्फीयर छोटा है तो उस पे चार्जेस भी कम होंगे, क्योंकि पहले जो सॉलिड स्फीयर था वो बड़ा था, उस पे चार्ज था कैपिटल, उस पे जो चार्ज था वो है ये क्यू। अब मेरा जो स्फीयर है वो छोटा हो गया तो इसमें कम चार्जेस होंगे, तो मुझे पता करना है कि इसमें कितने चार्जेस हैं। तो मुझे ये पता है कि मेरी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो। रो किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम के, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अपॉन वॉल्यूम का मतलब है कि ये क्यू इनसाइड किसके इक्वल है? क्यू डैश। सो क्यू डैश, क्यू डैश अपॉन क्यू डैश इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। सो रो इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है? 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समझ आ रहा है क्या? अब मेरा स्फीयर छोटा हो गया, छोटा हो गया तो 4 बाय 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये बात क्लियर है। अब मैं इस तरफ आऊं, फ्लक्स को मैं देखता हूं, तो फ्लक्स कितना है? ई डॉट डी एस, इस छोटे वाले स्फीयर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट ले लिया, और छोटे वाले सरफेस का एरिया, इसका सरफेस एरिया तो वो किसके इक्वल है? ये इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रो इंटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो आर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 पाई आर क्यूब है, तो ये क्यूब बढ़ गया, पीछे क्या बचा? आर, यहां बच गया रो और एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 3, ये भी नीचे चला जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आपको समझ आया क्या? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये एक बड़ा डिफरेंस आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ये रो तो कॉन्स्टेंट है, 3 भी कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट है, बचा क्या? आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ओ से लेकर के सरफेस तक, सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर तक प्रोपोर्शनल होती है आर के। पर हमने हॉलो स्फीयर में ये देखा था कि वो जीरो थी, या एक कंडक्टिंग स्फीयर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी,
पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आई है? इनसाइड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आई? इज प्रोपोर्शनल टू आर। बाहर कैसी थी? ई वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सरफेस पे इसके बराबर। ऑल राइट, तो इसके बेसिस पे अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए वाई एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में आपका आर इंक्रीज हो रहा है। एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए जैसा हमने वहां ड्रॉ किया था। ये स्फीयर की रेडियस बता रहा है, रेडियस कितनी है इसकी? कैपिटल आर। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये पॉइंट बी होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बी है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? आर के इक्वल। इसके आगे जो भी है वो है आउटसाइड, इसके अंदर जो भी है वो है इनसाइड। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका इनसाइड, और यहां से यहां तक ये क्या बता रहा है? आपका आउटसाइड। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ये बता रहा है आपका आउटसाइड और ये है आपका इनसाइड। ओके, अब देखो आपको ये पता है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इट वॉज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। इस जगह पे कितनी थी? इट वॉज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई। ये कहां पर था? इट वॉज एट ए आउटसाइड, है ना, आउटसाइड पे इतनी थी। सरफेस पे कितनी थी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा वाला आर? कैपिटल आर। ओके, अब अंदर कितनी थी? तो अंदर आपने देखा था ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये है इनसाइड, ये है आपका सरफेस। ये तीनों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल ली। तो अब ये तो अगर ये पॉइंट एक मैक्सिमम पॉइंट मानता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम पॉइंट, तो इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो ये मेरी इंक्रीज हो रही है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि ग्राफ कैसा बन रहा है? एक जैसे ओम्स लॉ में बनाया था आपने, ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? प्रोपोर्शनल है आर के। फिर यहां पहुंचने के बाद ये हो गई मैक्सिमम, ये कितनी है? मैक्सिमम। क्यों है मैक्सिमम? क्योंकि इसके बाद तो आर इंक्रीज होगा, इसके बाद तो आर और इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसको मैं बोलता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है अगेन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर यहां से इस पॉइंट से कैसे हो रही है? 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसा हमने वहां ग्राफ बनाया था, यहां ला करके इसको यूं ड्रॉप करते हुए छोड़ दो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व बनाना है, यू समझ आया क्या आपको? ओके, तो ये आपका ग्राफ हो गया, अच्छे से बना लो इसको। तो ये क्या है? यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा इलाका है? आउटसाइड वाला। ये कौन सा है? इनसाइड वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। 4 ग्राफ दे देंगे, 4 में से जो सबसे सही ग्राफ है, तो जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी इसकी, आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप ये आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस। आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और उस कंसेप्ट को दिमाग में रख करके अब हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आज जो हमने मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो है IIT JEE Advanced 2009 का क्वेश्चन है। तो IIT JEE Advanced का क्वेश्चन है,
और 2009 में आपसे पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको मेजोरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स जो है छोटी जो तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसमें ऑलरेडी आ जाते हैं। तो जब आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपकी आपको कंसेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है, साथ ही साथ में आपने कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आप कोशिश करते हो कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपका डायग्राम आपके दिमाग में ऑलरेडी बन जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन को चार बार पढ़ूंगा और एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ के अगर उसका डायग्राम बना लेता हूं तो मेरा 80% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है, साथ ही साथ मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसकी क्वेश्चन की पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक इमेज भी फॉर्म हो जानी चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद रो इक्वल्स टू के आर रेज टू पावर ए। तो इधर देखो रो पूछा है तो ये मुझे मालूम पड़ जाता है कि एक सॉलिड स्फीयर है और वो भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर आप बना लीजिए पहले, इस तरीके से आपने एक सॉलिड स्फीयर बना लिया और ये याद रखना है कि इसमें रो दिया है इसका मतलब चार्जेस अंदर तक गए हुए हैं सब। आप सेकंड चीज आपके दिमाग में आती है रो की वैल्यू कितनी है, तो रो इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर ए वेयर के एंड ए आर कॉन्स्टेंट। तो इसमें के और ए तो कॉन्स्टेंट है पर बच्चों आर जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। जब आर कॉन्स्टेंट नहीं है इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर के यहां तक डेंसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो चार्ज का जो डेंसिटी है वो फिक्स नहीं है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे सीबीएसई लेवल तक तो उसमें हमने ये देखा था कि डेंसिटी को कांस्टेंट लेके हम चल रहे थे, पर यहाँ आपको हाई लेवल थिंकिंग में जाना है तो आप लोगों के लिए क्या किया है आर को भी डिपेंड कर दिया है डेंसिटी पे, यानी मैं यहां से इंक्रीज कर रहा हूं और आर तक जा रहा हूं, ये है कैपिटल आर। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहां से यहां तक सपोज आर इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक आर इंक्रीज हो रहा है, यहां जाके कैपिटल आर बन जाता है, पर ये इंक्रीज होते होते डेंसिटी भी मेरी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा धीरे 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 करके इंक्रीज हो रहा है। दिमाग में आ गया आपके कंसेप्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो हमने ले लिया। नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू आर बाई टू, एक पॉइंट है बच्चों आर बाई टू यानी कि इसका हाफ। सपोज करो यहां पर R इज इक्वल टू आर बाई टू इस पॉइंट पे, ठीक है। तो बच्चों इस जगह से इस जगह तक R इंक्रीज हो रहा है और A पॉइंट तक R की वैल्यू है A बाई टू, आर इज इक्वल टू आर बाई टू, तो ये है R इक्वल्स टू आर बाई टू, इस पॉइंट तक है R बाई टू यानी कि रेडियस का आधा, और इस पॉइंट B तक है R की वैल्यू इक्वल टू R, कैपिटल R, ठीक है। तो ये तो है इसकी कैपिटल आर और ये है इस रेडियस का हाफ, ओके। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई ए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/8 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो याद रखना है आपको एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस थ्योरम क्या होता है, गॉसेस थ्योरम इज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स कितना है अगर मुझे इस पॉइंट बी के लिए फाइंड आउट करना है, आर के लिए, इस पॉइंट ए के लिए फाइंड आउट करना है या किसी भी पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स होता है ई इंटू डीएस, ई डीएस एंड क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू इनसाइड मुझे पता नहीं है कितना है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरा चार्ज यहां से यहां तक बढ़ता जा रहा है तो इस पॉइंट पे कितना बढ़ गया होगा, इसी तरीके से बी पॉइंट तक कितना चार्ज हो गया होगा वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं। तो इस q inside का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r रो, क्योंकि देखो रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सो चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। तो चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है,
तो चार्ज विल बी इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को मैं कैसे लिखता हूं, वॉल्यूम को मैं लिखता हूं 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डीआर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि क्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इस केस में मैंने डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं लिख दिया, वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यूब नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि रो कांस्टेंट नहीं है, रो इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, रेडियस के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, एरिया एरिया इंटू रेडियस, तो वॉल्यूम निकल के आता है। ये बात सबको समझ आ रही क्या, एरिया और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है तो मेरे पास में वॉल्यूम आ रहा है। सो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आपका क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम। कैसा वॉल्यूम, जो इंक्रीज हो रहा है आर के साथ। तो फॉर्मूला याद रखना है, क्यू जब भी चेंज होता है इट इज गिवन बाय 0 टू आर रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इस फॉर्मूले को आप लिख लो, क्या है फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये फॉर्मूला मैंने इधर लगाया, q इनसाइड इज इक्वल टू 0 टू r रो इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr, समझ आ रहा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो IIT JEE है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो अगर आपके कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपको यहां कांसेप्ट क्लैरिटी क्या रखनी है कि रो इज चेंजिंग, सिंस द रो इज चेंजिंग वी हैव टू यूज दिस, बिकॉज दिस रो इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 0 टू आर। ओके ठीक है, अब ई डी एस ये भी कहां से कहां तक है, 0 से आर। सो दिस इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 0 टू आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देखो रो की जगह पे क्या रख सकता हूं, रो इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर ए, तो इस जगह पे मैं क्या रखूं, के इंटू आर टू द पावर ए। अब ये आर टू द पावर ए और ये है आर स्क्वायर, तो आर की पावर ए प्लस टू, तो मैं इस जगह पे लिख रहा हूं आर की पावर ए प्लस टू। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब ये देखो के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो मैं इनको बाहर ले सकता हूं, तो मेरे पास आ गया के 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 टू आर आर टू द पावर ए प्लस टू आर टू द पावर ए प्लस टू डी आर। यहां तक क्लियर है, ओके इसको सॉल्व करें तो मेरे पास में आता है इंटीग्रेशन का आपका एक फॉर्मूला यूज होगा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये कहां से कहां तक है लिमिट, लिमिट लग रही है आपकी 0 टू ए। तो फॉर्मूला क्या यूज किया है, x to the power n dx 0 to a is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 0 to a। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता है, फिर भी आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इधर आप देख रहे हो ये r x dx dr, तो मेरा x जो है वो dr, ये r की तरह चेंज हो रहा है, और n जो है वो a plus 2 है। तो मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास आता है k into 4 pi upon epsilon naught r टू द पावर a प्लस टू प्लस वन, ए प्लस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस टू प्लस वन, और लिमिट कहां से कहां लग रही है बेटा, लिमिट लग रही है 0 से r। तो इस फॉर्मूले में पुट किया मैंने तो ये आ गया a इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब ये देखो 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये r स्क्वायर जो है इसको भी मैं इस तरफ भेज दूं तो मेरे पास में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर इस तरफ भेजा तो ये हो जाएगा मेरे पास में के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आर टू द पावर ए प्लस टू प्लस वन यानी ए प्लस थ्री, आर की पावर कितनी हो गई ए प्लस थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस थ्री, और ये आर स्क्वायर उस तरफ भेजने पे क्या होगा वन अपॉन आर स्क्वायर।
क्लियर है। सो इसको मैं रब कर दूं एक बार, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये है आर टू द पावर ए इंटू थ्री, आर टू द पावर ए प्लस थ्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, आर टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो ये टू माइनस हो जाएगा तो क्या बचा वन, यानी आर टू द पावर ए प्लस वन स्क्वायर है, ए प्लस टू माइनस टू, सो आर टू द पावर ए प्लस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस थ्री, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। हाफ ऑफ द बैटल इज सॉल्व, अब तो आगे बस इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट आर बाई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बाई टू, आर बाई टू पे गए है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जब आर की वैल्यू कितनी लेनी है आर बाई टू लेनी है, उस दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एट टाइम्स, वन अपॉन एट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन आर इक्वल्स टू आर कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो आर की वैल्यू कितनी हूं आर लेनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये है, उसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पे क्या लगूं आर अपॉन टू, सो आर अपॉन टू की पावर ए प्लस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन एट टाइम्स के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बी कब है आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो इसकी जगह पे कैपिटल आर रखू आर ए प्लस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस थ्री, तो इधर देखिए डायरेक्ट ये के कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है ए प्लस थ्री कैंसिल, फाइनली मेरे पास में आता है आर अपॉन टू टू द पावर ए प्लस वन इक्वल्स टू आर टू द पावर ए प्लस वन डिवाइडेड बाय एट, तो इसको मैं लिख सकता हूं आर टू द पावर ए प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टू द पावर ए प्लस वन, आर अपॉन टू था ए प्लस वन दोनों जगह पे खोल दिया, तो इधर देखो आप ये भी कैंसिल हो गया। अब इसका उल्टा ले लिया तो रिवर्स किया तो क्या आया 2 टू द पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, तो a प्लस 1 को कंपेयर करूं दोनों को तो a प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, a प्लस 1 आएगा 3 के इक्वल, इसका मतलब a की वैल्यू किसके इक्वल आई, a की वैल्यू आई 2 के, तो मेरे पास में वही पूछा था मुझसे a की वैल्यू, तो बच्चों आपने देखा क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं। पहला कंसेप्ट क्या था कि जो डेंसिटी है वो चेंज होती जा रही है, अभी तक हमने डेंसिटी को कांस्टेंट लिया था, तो डेंसिटी चेंज हो तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्यू का याद रखना, फॉर्मूला होगा 0 टू r रो 4 पाई r स्क्वायर dr, ये फॉर्मूला है। उसके बाद में गॉसेस थ्योरम आपको पता ही है e डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q की जगह पे ये रखना है, इंटीग्रेट करो जनरलाइज करो, जो भी रो की वैल्यू पुट करी उसे इंटीग्रेट करके जनरलाइज किया, बाद में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू r / 2 r इक्वल्स टू r कैपिटल r दोनों निकाल लिया हमने, दोनों को इक्वेट किया सिचुएशन के हिसाब से a की वैल्यू आ गई 2, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें और आगे भी बने रहिए हमारे साथ में ताकि हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, तो इससे बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर के लिए बहुत जल्द हम वापस मिलेंगे।